गरीब परिवारों को निःशुल्क खाद्यान्न उपलब्ध कराने के लिए राज्य और केंद्र सरकार कई योजनाएं संचालित कर रहे हैं। गरीबों को मिलने वाले मुफ्त राशन में कई ऐसे धनाढ्य लोग राशन ले रहे हैं। देश भर में फर्जी गरीब बनकर राशन लेने वाले लोग एमपी में पकड़े गए हैं। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग ने बीते एक साल में देश में सबसे ज्यादा 14,24,115 फर्जी राशन कार्ड निरस्त किए हैं। खाद्य एवं नागरिक उपभोक्ता विभाग द्वारा लोकसभा में दी गई जानकारी के मुताबिक 3 साल पहले यानी साल 2019 में देश में सबसे ज्यादा 41,52,273 फर्जी राशन कार्ड उत्तर प्रदेश में कैंसिल किए गए थे, लेकिन एक साल बाद ही मध्य प्रदेश ने इस मामले में बड़ा एक्शन लिया और साल 2021 में 14,24,115 राशन कार्ड निरस्त किए हैं। राशन वितरण में गड़बड़ी करने पर राजधानी भोपाल में सरकारी उचित मूल्य की करीब 40 राशन दुकानें सस्पेंड की गई हैं। अकेले भोपाल में पिछले साल 40,000 नाम बीपीएल की लिस्ट से काटे गए थे। इनमें करीब 3,26,000 परिवार और 1,38,000 सदस्य बीपीएल से बाहर किए गए हैं।